Hello everyone, very good morning and very warm welcome in our online English classes at Shri Ram College, 17 RB, Rai Singh Nagar. Students, आज हम करने जा रहे हैं The Tiger and the Deer का second part, इसका lecture second, composed की गई है श्री अरबिंदो के द्वारा, जो कि आपकी BA third year के syllabus के अंदर है. Okay, तो इसका जो part first है वो हम complete कर चुके थे. आज हम इसका part second, यानी कि इसका lecture second करने वाले हैं, जिसके अंदर हम इसके text को read करेंगे, यानी कि हम इसके जो लिटरेरी लाइंस हैं इनको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं. ओके, तो जैसे कि आपको मैंने बता दिया था कि द टाइगर एंड द डियर जो पोइम है श्री अरबिंदो के द्वारा कंपोज की गई थी, वो थोड़ी सी इमिटेशन लगती है विलियम ब्लेक की जो पोइम द टाइगर है, वो भी आपके सिलेबस के अंदर ही है, थोड़ा सा इमिटेट करते हुए लग रहे हैं. लेकिन आप ये कह सकते हैं श्री अरबिंदो की पोइम भी बहुत ब्रिलियंट है, इस तरीके के सब्जेक्ट में लिखी गई है, जिसमें कि जो हमारा क्रिएटर है, जो गॉड है, उसने दोनों तरीके की चीज़ें बनाई हैं, यानी कि हमारे यूनिवर्स के अंदर ड्यूल जो एग्जिस्टेंस है ना, कि यहाँ पे अगर लाइफ है तो डेथ भी है, अच्छाई है तो बुराई भी, इविल एज वेल एज गुड. ओके, तो उस हिसाब से थोड़ा देख लेना आप. चलिए अपने इस आगे इसमें पोइम में टेक्स्ट को रीड करते हैं. ओके, तो जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था, पोइम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइगर. पोइम जो शुरू होती है वो टाइगर के डिस्क्रिप्शन से ही शुरू होती है. द टाइगर क्राउचेस एंड स्लॉचेस. अब क्राउचेस एंड स्लॉचेस उसके बैठने और उसके चलने के लिए यूज हुआ है. ब्रिलियंटली बहुत ही शानदार तरीके से चलता है. दाउ द ग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पे थ्रू आना चाहिए था, थ्रू द ग्रीन फॉरेस्ट, जंगल, हरे भरे जंगल के बीचों बीच से. इट हैज ग्लीमिंग आइज, उसकी चमकदार आंखें हैं. माइटी चेस्ट, उसका चौड़ा शक्तिशाली सीना है. एंड सॉफ्ट साउंडलेस पॉज, और उसके जो पंजे हैं साउंडलेस है, मतलब आवाज नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक हंटर है, यू नो, एक शिकारी है. तो वो दबे पांव चलता है, साउंडलेस पॉज है उसके, ताकि जिस डियर को वो खाने जा रहा है तो उसको पता ना चले. ओके, तो पोइम को रीड करते हैं. आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी, क्योंकि आप इसके बारे में अपना बेस क्लियर कर चुके हैं, आपको मैंने ऑलरेडी इसके बारे में काफी कुछ बता दिया है. ओके, brilliant crouching slouching with crept through the green heart of the forest. First line ke andar Shri Aurobindo kya keh rahe hain, point kya keh rahe hain, brilliant tiger ke bare mein baat kar rahe hain ki bahut hi shandar lag raha hai. Jaise wo kya karta hai, crouch karta hai. Dekhiye crouch aur slouch ka mean hai jhuk ke, jab koi bhi na jo pashu hota hai wo apne hunt karne ki position mein baithta hai, ki aage wale pairon ko wo jhuka ke baithta hai aur apne sir ko wo aage wale pairon mein daba leta hai aise halke se. तो उस पोजीशन के लिए झुककर बैठने और चलने के लिए क्राउचिंग और स्लाउचिंग यूज किया है यहां पे पॉइंट ने. तो कह रहा है कि जो वो टाइगर है, जब वो अपने हंट पे जा रहा है, अपने शिकार की ओर जा रहा है, तो झुकते हुए अपने आगे वाले पैरों को नीचे दबाते हुए जब वो झुक के चल रहा है, बहुत ही शानदार लग रहा है. विद क्रैप्ट, और वो रेंगता हुआ जा रहा है थ्रू द ग्रीन हार्ट ऑफ फॉरेस्ट. ग्रीन हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट किसको बोला गया, जंगल की हरियाली के बीचों बीच. ओके, ग्लीमिंग आइज, उसकी चमकदार आंखें हैं. एंड माइटी चेस्ट, और उसका बहुत ही शक्तिशाली ताकत और उसकी चेस्ट है टाइगर की. टाइगर के बारे में बहुत ही यू नो रफ बीस्ट होता है ये. एंड सॉफ्ट साउंडलेस पॉज, और उसके जो पॉज हैं, जो पैर के पंजे हैं, वो साउंडलेस बोला गया उनको. ओके, साउंडलेस क्यों बोला गया है, क्योंकि वो बिल्कुल आवाज नहीं कर रहा है, क्योंकि आवाज करेगा तो डियर को पता चल जाएगा, तो इसलिए बहुत ही वो साउंडलेस है. उसके जो पॉज हैं ग्रैंडियर, बहुत ही भव्य लग रहे हैं. ग्रैंडियर का मीन यहाँ पे क्या, भव्य. ओके, एंड मर्डर, और वो मर्डर का भी सिंबल है. मर्डर का सिंबल ऐसे है क्योंकि जो टाइगर के जो पॉज होते हैं ना, जो पंजे होते हैं इसके, जैसे ही ये किसी दूसरे एनिमल पर पड़ते हैं तो वहीं से उसको टॉर कर देते हैं, यानी कि उसको फाड़ देते हैं वहीं से, इसलिए उनको मर्डर भी बोला गया है. तो यहाँ पे देखिए, अगर आप टाइगर को देखें ना, टाइगर के अगर फिजिकल अपने स्ट्रक्चर को देखें तो नो डाउट बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है वो. ओके, उस पे जो उसका जो ब्राउन सा कलर होता है, हल्का सा येलिश होता है, उस पे ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं, उसकी आंखें कितनी चमकदार होती हैं, कानों के पीछे भी ऐसे ना एक आइज का इल्यूजन बना होता है. जब टाइगर बैठता है ना, तो उसके कान के पीछे वाली साइड में एक ऐसा स्पॉट बना होता है आई लाइक, तो जैसे अगर उसके कोई पीछे से उस पर अटैक करेगा ना, तो उसको लगेगा कि टाइगर मेरी ओर देख रहा है. तो उसकी अगर अपने फिजिकल ब्यूटी की बात करें तो बहुत ही शानदार लगता है. लेकिन वहीं साथ साथ वो क्या है, मर्डर का भी सिंबल है, क्योंकि वो दूसरे एनिमल्स को क्या करता है, मारता है, उनको टॉर करता है, उनको चीर फाड़ देता है. तो देखिए यहाँ पे वो ड्यूल पर्सनालिटी वाली बात आ रही है यहाँ पे, कि यूनिवर्स जो क्रिएटर है, जो गॉड है, उसने दोनों चीजें बनाई है. उसने इसको सुंदर भी कितना बना दिया, लेकिन वहीं इसको क्या बना दिया, डेथ थ्रेटनिंग बना दिया ना इसको, कि ये मतलब डेथ का भी सिंबल है. आगे चलते हैं. The wind slipped through the leaves as if afraid lest its voice.
अब यहाँ पे देखिए हवा की बात की जा रही है कि जो हवा है वो पत्तियों में से ऐसे सरकती है, लीव्स का मीन यहाँ पे क्या होता है, पत्तियां। ओके तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हवा है वो पत्तियों में से ऐसे निकलती है, ऐसे सरक जाती है, जैसे कि मान लो वो उसकी आवाज को सुनकर डर रही हो। क्योंकि आपको पता ना कि जब लॉयन रोर करता है या टाइगर रोर करता है तो इनकी आवाज इतनी डरावनी, इतनी टेरिफाइंग लगती है कि हमारे हार्ट में वाइब्रेशन होने लगती है ना। तो वो कह रहा है कि उसकी आवाज को सुन के, इतनी डरावनी इतनी भयानक आवाज को सुन के हवा भी लगता है डर गई है और वो पत्तियों में से धीरे से सरक के जा रही है। ओके स्लिप कर गई है। एंड द नॉइज ऑफ इट्स स्टेप्स परचर्ब्ड, और इसके स्टेप्स का जो नॉइज आ रहा है, परचर्ब्ड का मतलब होता है कि जो आगे पीछे रखे ना, और यू नो मतलब जो एक अच्छे मैनर में नहीं होते, व्यवस्थित तरीके से ना होना, तो इसके कहता जो स्टेप्स है ना परचर्ब, जैसे ही वो इधर उधर पड़ते हुए आगे बढ़ते हैं ना, द पिटीलेस स्प्लेंडर, और वो इतने शानदार लगते हैं और साथ ही क्या वो पिटीलेस है। पिटीलेस का मतलब यहाँ पे क्या, निर्दयी है ना। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें यूज की गई हैं, पिटीलेस स्प्लेंडर, तो यहाँ पे एक पैराडॉक्स भी आप देख सकते हैं, आप इसमें ऑक्सीमोरॉन भी देख सकते हैं कि पिटीलेस भी और स्प्लेंडर भी है। जो चीज निर्दयी है वो चीज उसको स्प्लेंडर भी बोला गया, उसको शानदार भी बोला गया। तो कह रहे कि उसके शानदार पंजे जब आगे बढ़ते हैं तो उनका जो नॉइज है ना वो बहुत ही निर्दयी, अच्छा तो लगता है लेकिन वो बहुत ही क्या निर्दयी है। हार्डली डेयरिंग टू ब्रीथ, और वो अपनी सांस को बिल्कुल रोक के चल रहा है, ऐसे लगता है कि वो बीस्ट है, वो सांस बहुत मुश्किल से ले रहा है क्योंकि सांस की आवाज भी उसको लगता है कि उसके जो प्रे है ना, उसका जो शिकार है, उसको कहीं पता ना लग जाए उसका ना। बट द ग्रेट बीस्ट क्रॉच्ड एंड क्रैप्ड, और लेकिन जो ग्रेट बीस्ट मतलब जो खतरनाक वो जंगली पशु है वो क्रॉच करता है, वो झुक के आगे की ओर चलता है, क्रैप्ड रेंगता हुआ, एंड क्रैप्ड एंड क्रॉच्ड लास्ट टाइम, और लास्ट टाइम मतलब लास्ट बार वो क्रॉच और क्रैप्ट करता है, मतलब अब वो बिल्कुल शिकार पे अटैक करने के लिए तैयार है, लास्ट बार आगे की ओर वो झुकता है, क्रैप्ट करता है, नॉइजलेस बिना आवाज किए हुए, फैटल मतलब जानलेवा हमला करने के लिए है ना, लाइफ थ्रेटनिंग अटैक करने के लिए। टिल सडनली डेथ लीप्ड ऑन द ब्यूटिफुल वाइल्ड डियर एज इट ड्रैंक, तब तक वो ऐसे चलता है और लास्ट में क्या करता है वो उस ब्यूटीफुल हिरन पर, उस सुंदर से हिरन पर वो जाके अटैक कर देता है, अचानक से लीप करता है, छलांग लगा देता है, ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर है ना, जो सुंदर जंगली जो डियर है, पानी पी रहा था, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से वो पानी पी रहा है, और लास्ट बार अब वो तैयार होता है और लास्ट में उस पर अटैक कर देता है, उस पर छलांग लगा देता है। अब क्या होता है, अनसस्पेक्टिंग एट द ग्रेट पूल इन द फॉरेस्ट कूलनेस एंड शेडो, और कह रहा है कि जो वो बेचारा सुंदर जंगली हिरन था वो उस कूलनेस के अंदर, ठंडे मतलब जंगल के अंदर बहुत ही कूलनेस, बहुत ही मतलब ठंडे जो तालाब था उसमें शेडो छाया के अंदर वो क्या कर रहा था, पानी पी रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे अनसस्पेक्टिंग एट द ग्रेट पूल इन द फॉरेस्ट कूलनेस, जंगल की ठंडक में वो तालाब से छाया में पानी पी रहा था, और अनसस्पेक्टिंग मतलब वो कोई ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा था कि उस पर ऐसा कोई अटैक हो जाएगा, वो अनसस्पेक्ट था उसके बारे में। और तभी क्या हुआ, एंड इट फेल, उस पे वो अटैक हुआ, उस पे वो जाके गिरा जो टाइगर था, एंड टॉन, और इसको फाड़ दिया, डाइड, वो उसको मार दिया, रिमेम्बरिंग इट्स मेट लेफ्ट सोल इन द डीप वुडलैंड, और वो डियर शायद मरते समय अपने सोल मेट को, अपने मेट को वो याद कर रहा होगा जिसको वो जंगल के अंदर छोड़ के आया था, डीप वुडलैंड दूर के जंगल में वो छोड़ के पानी पीने आया था ना, उसको वो याद करते हुए मर जाता है। डिस्ट्रॉयड, उसको वो नष्ट कर देता है, द माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी बाय द स्ट्रॉन्ग क्रूएल ब्यूटी ऑफ नेचर, और कह रहा है कि जो माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी है, यहाँ पे माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी किसको बोला गया, डियर को बोला गया, क्योंकि डियर बहुत ही स्वीट सा एक एनिमल होता है ना, उसको माइल्ड बोला गया, मतलब बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही टेंडर है, और हार्मलेस है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और उसको एक स्ट्रॉन्ग, एक ताकतवर क्रूएल ब्यूटी जो कि नेचर के अंदर है, यानी कि जो टाइगर है उसके द्वारा उसको डिस्ट्रॉयड, नष्ट कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे फिर से वो ड्यूअल पर्सनालिटी वाली बात आ रही है कि गॉड ने एक तरफ तो बहुत ही सुंदर क्रिएशन, वो प्यारा सा एक डियर बना दिया, हिरन बना दिया, लेकिन वहीं एक स्ट्रॉन्ग क्रूअल नेचर ऑब्जेक्ट भी बना दिया उसने, वो क्या बनाया, टाइगर, जो कि उस डियर को मार देता है। अब लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक मॉरल मैसेज अपने लिए छोड़ रहे हैं श्री अरबिंदो। मैंने आपको शुरू में पहले लेक्चर में बताया था कि ये पॉइम एक मॉरल मैसेज है, क्योंकि इट्स अ डिडैक्टिक पॉइम, ये एक शिक्षा देने वाली पॉइम है हमारे लिए। क्या कहते हैं देखते हैं, बट अ डे मे येट कम, लेकिन एक ऐसा दिन अभी आएगा, वेन द टाइगर क्रॉचेज एंड लीप्स नो मोर इन द डेंजरस हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जहां पे कोई भी टाइगर है ना तो वो क्रॉच करेगा, ना तो वो झुक के अपने शिकार के लिए चलेगा, ना वो लीप करेगा, छलांग लगाएगा, इन द डेंजरस हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, उस जंगल के खतरनाक माहौल के अंदर वो किसी पर छलांग नहीं लगाएगा, किसी पर क्राउच नहीं करेगा वो, एज द मैमंथ शेक्स नो मोर द प्लेन्स ऑफ एशिया। देखिए मैमंथ क्या था,
जो ठंडे इलाकों में पाया जाने वाला एक बड़े बड़े बालों वाला हाथी हुआ करता था। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मैमंथ है, मैमंथ जो वर्ड है वो हाथी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और इतना ज्यादा मतलब इसका बॉडी स्ट्रक्चर इतना ज्यादा यूज होता था, इतना बड़ा होता था ये बड़े बड़े बालों को लेके, तो इसके बारे में कहा गया कि जब ये चलता था ना तो पूरे एशिया के प्लेन्स हिलते थे। यहाँ पे थोड़ा सा हाइपरबल लग रहा है आपको, क्योंकि कोई एक हाथी है वो एशिया के प्लेन्स को नहीं हिला सकता, तो इस लाइन के अंदर हाइपरबल है, मतलब बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। लेकिन उसकी आप ये कहें कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को इतना खतरनाक, इतना डेंजरस बताया गया कि जब वो चलता था तो पूरी एशिया के प्लेन्स हिलते थे। स्टिल देन शेल द ब्यूटिफुल वाइल्ड डियर ड्रिंक फ्रॉम द कूलनेस। ओके सॉरी, एक बार फिर से प्रोवाइड लाइन पढ़ते हैं। एज द मैमन शेक्स नो मोर ऑन द प्लेन्स ऑफ एशिया, कि पहले जब वो हुआ करते थे तो तब वो जब चलते थे तो एशिया के प्लेन्स को हिला देते थे, लेकिन वो धीरे धीरे अब क्या हो चुके हैं, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो लुप्त हो गए हैं, वो अपनी ही ताकत में लुप्त हो गए हैं, ऐसा श्री अरबिंदो का मानना है। अब वो नहीं रहे हैं, तो कह रहा है कि जिस तरीके से वो मैमंथ इतने बड़े बड़े हाथी नहीं रहे हैं, तो फिर जंगल में टाइगर तो बहुत छोटी चीज है। स्टिल देन शेल द ब्यूटिफुल वाइल्ड डियर ड्रिंक फ्रॉम द कूलनेस ऑफ ग्रेट पूल्स इन द लीव्स शैडो, और कह रहा है कि तब वो जो सुंदर हिरन है वो बिना किसी डर के आराम से जंगल के अंदर उसकी ठंडक में, पत्तियों की छाया में आराम से वो पूल से पानी पिएगा, तालाब से पानी पिएगा। द माइटी पैरिश इन देयर माइट, और जो शक्तिशाली हैं, जो माइटी हैं, वो पैरिश है, वो नष्ट हो गए, अपनी ही ताकत में नष्ट हो गए हैं। द स्लेन सर्वाइव द स्लेयर, और जो स्लेन है यानी कि जो शिकार है वो अपने शिकारी से बचकर सर्वाइव करेगा। तो ये थी स्टूडेंट्स पोइम द टाइगर एंड द डियर। लास्ट में एक मॉरल मैसेज छोड़ा है कि इस संसार के अंदर जो शक्तिशाली चीज है अगर वो दूसरों को नष्ट कर रही है तो गॉड उसको अपने आप ही नष्ट कर देगा, वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगी, और जितनी भी जो माइल्ड हार्मलेस ब्यूटीज नेचर की हैं वो हमेशा के लिए परमानेंट रहेंगी। आई होप कि आपको ये पोइम समझ आई होगी, आपने इस पोइम को एंजॉय किया होगा। आप हमारी वीडियोज को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स में हमें बताते रहें आपको कैसा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।